नवजीवन में उचित अलंकार है। अब देखिए जीवन और जीवन दो बार आ गया, इसका अलग अलग अर्थ है। तो इसमें उत्प्रेक्षा उपमा अनुप्रास यमक, तो इसके अंदर है हमारा यमक अलंकार। बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा था, इसमें वाक्य में क्रिया विशेषण की बात की गई है, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताई, चलना एक क्रिया है, ठीक है। चलना की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे धीरे, मतलब वो तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है, या लंगड़ा के चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा करेक्ट। शुद्ध वाक्य चुनो, मैं उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, मैं उसकी सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, मैं उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, या कैसे। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, मैं उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। मृत्तिका का तद्भव शब्द क्या है, तो मृत्तिका मिट्टी को बोला जाता है, तद्भव तत्सम वो होते हैं जो पहले एच डी लिए जाते हैं हिंदी के अंदर, और तद्भव जो थोड़े मोल्ड करके, जैसे कि दूध को दूध बोला जाता है आजकल, ठीक है, तो इस टाइप से है। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी मिट्टी। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन है इसका बी सर्वज्ञ। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग अगर बात करेंगे तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है आपके पास सम्राज्ञी। घोड़े का तत्सम शब्द क्या है, तो यह है अशव, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे को दूध दो रेखांकित शब्द में उचित कारक कौन सा है, तो बच्चे को दूध दो, कर्ता ने कर्म को करण से, इस टाइप से होता ना, तो को बीच में आया ना को, तो कौन सा है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट, कर्म कारक। तो ये हिंदी का सेक्शन का मैंने सोल्यूशन दे दिया आपको, और जल्दी सोल्यूशन आ जाएंगे और भी पेपर के। नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर अगर आप सेंड कर सको तो सारे पेपर जो भी जिसके पास अवेलेबल है, ताकि जो है ना सारे पेपरों के सोल्यूशन दिए जा सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।